इस दुनिया में तीन तरह का बच्चा है। मैंने तीन बच्चों से बोला कि मुझे यहाँ बोर्ड जहाँ पे है यहाँ एक बड़ी सी दीवार बनानी है। सबसे पहले बच्चों को बुलाया, मैंने कहा चल बड़ी सी दीवार बना। पता है क्या बोला वो? वो कहता अरे यार इतनी बड़ी दीवार कैसे बनाऊंगा यार, मैं बड़ी मेहनत लगेगी इसमें तो, अरे एक एक ईंट रखना पड़ेगा। करता हूँ कर लूंगा, रखने लग गया एक एक ईंट। दूसरे बच्चों को बुलाया, मैंने कहा एक बड़ी सी दीवार बनानी है। वो एक ईंट रखा ऐसे, बोला टफ है पर मैं करूंगा क्योंकि दीवार बनाने का मुझे टारगेट दिया गया है तो मैं पूरा करूंगा, मुझे जो टारगेट दिया जाता है मैं करता हूँ। फिर दूसरा ईंट रखा, फिर तीसरा, बोला हाँ पसीना आ रहा है पर मैं करूंगा क्योंकि ये टारगेट है। तीसरा बच्चों को मैंने बुलाया, मैंने कहा एक बड़ी सी दीवार बनानी है। उसने एक ईंट रखा, दूसरा ईंट रखा, बोला खूबसूरत भी बना दूं क्या? मैंने कहा खूबसूरत। तीसरा ईंट, चौथा ईंट रखा, बोला पेंट भी कर दूं क्या? मैंने कहा पेंट भी कर सकते। बोला इसको सजा भी दूं क्या? मैंने कहा सजा दे। बोला इसको दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी दीवार बना दूं क्या? मैंने कहा बना दे। अब आप सोचो आप इस तीन में से कहां पे हो? जिस तरह की आप चैट लिख रहे हो मुझको आप पहली कैटेगरी में दिख रहे हो। बड़ी मेहनत है, कैसे करेंगे, नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं कर सकते, अरे यार बड़ी दिक्कत है, सीमेंट नहीं मिल रही है, कैसे लगाऊं, ईंट कैसे होगा, क्या होगा। कुछ हो गए जो दूसरी कैटेगरी पहुंच गए कि हाँ मेरा टारगेट है, करूंगा, मेहनत है कर लूंगा। क्या तुम तीसरी कैटेगरी में हो? क्या मेरे को ITJEE निकालना नहीं, एडवांस को फोड़ के आना है मेरे को? क्या आप उस कैटेगरी में हो? ऐसे ये बैग का बोझा लेके चले जा रहे हैं, ITJEE निकालना है, पापा ने कोचिंग में एडमिशन दिला दिया, 4000 बैच का पैसा दिया, ITJEE तो निकालना पड़ेगा, सब निकालते हैं ITJEE। सेकंड से हो ना, सेकंड से थर्ड में आना पड़ेगा यार। जब JEE की तैयारी कर ही रहे हैं तो दुनिया में सबसे बेस्ट JEE की तैयारी क्यों ना करें अपन? तुम बताओ ना तुम्हें क्या चाहिए, तुम बताओ तुम्हें क्या कंटेंट चाहिए। मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये व्यक्ति तुम्हारे सामने इस बैच में खड़ा है, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं लाके दूंगा, पर तुम रैंक लेके आओ यार। IIT नहीं तो NIT मिल जाएगा, बराबर ही होते हैं दोनों। NIT नहीं तो कोई गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल ही जाएगा, एक ही जैसे होते हैं तीनों। क्या ये जीवन एक बार मिलता है, ये साल एक बार आता है यार, इसमें मचा के जाना है, जीवन में कुछ करके जाना है, कोई एग्जिस्टेंस है कि नहीं तुम्हारा? क्यों कर रहे हो IIT की तैयारी? तो मत करो, मैंने कहा था फोर्स थोड़ी कर रहा हूं तुमको तैयारी करने के लिए, मत करो जीवन में कुछ और करो, पर जो करो ना यार आग लगा के करो, जीवन में मजे लेके जाओ, जीवन के बोझ में मत करो, नहीं मने IIT का मत करो यार, कुछ और करो, कोई और फील्ड जो करो, तुम आधार करो यार, जीवन मजा आना चाहिए, मुझे जीवन में मजा आता है। अब ये सब जो डिस्ट्रैक्शन बोले थे बहुत छोटी बात है। क्या लगता है तुम्हारी वजह से बटरफ्लाई देखा है? बटरफ्लाई कहाँ से निकलता है? बटरफ्लाई कहाँ से निकलता है? कैसे कैसे निकलता है? ये दिक्कत में बात करें, ये लगता है, मैं करूँगा, मैं सब करूँगा, मैं करता रहूँगा, पर तुम तब भी सेलेक्ट नहीं होगी, सेलेक्ट तभी होगी जब तुम खुद अपने साथ। अगर मैं तुम बटरफ्लाई का ऐसे कोकून काट के वहां से बाहर बटरफ्लाई निकालू ना तो अपाहिज बटरफ्लाई पैदा होगा। तुम जितनी स्पून फीडिंग होगी मैं वो भी करूंगा, पर यार जब तक तुम्हारे अंदर खुद आग नहीं लगी है ना तब तक सिलेक्शन नहीं होने वाला।